हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी लवी रवि। तो डियर्स, मैं अगेन न्यू स्टोरी के साथ हाजिर हो रही हूँ। आई नो एक और स्टोरी चल रहा है, बट दिस इज़ अ वन शॉर्ट स्टोरी एंड आई एम सॉरी उन क्यूटीज को जो मुझसे नाराज़ है। क्या करो, थोड़ी सी मेरी लाइफ तहस नहस हुआ है और इस बीच मैंने अपने करीबी क्यूटीज को इग्नोर किया है और वे मुझसे बहुत खफा है कि मुझे आप लोगों का खफा होना अच्छा नहीं लगा। माई क्यूटी पाइस दी माई लिटिल क्यूटीज सिस्टर्स एंड मेरी क्यूटीज बच्चे, मैं आप सभी को ऐसे ही तंगने वाली हूँ, समझे आप सब। ये रहे मेरा गुस्सा और प्यार आप लोगों के लिए। एक और बात, आई लव यू ऑल ऑफ यू माई क्यूटीज। अब चलिए स्टोरी में चले, नहीं तो मुझे आप लोग रुला दोगे, मेरे गंदे और अच्छे क्यूटीज। स्टोरी का नाम है बॉक्सर वांगजी। यह एक ओमेगा वर्स स्टोरी है जिसमें मिस्टर लैन वांगजी 28 साल का एक अल्फा चाइना का फेमस बॉक्सर है। वही वे 20 ईयर ओमेगा, यह एक म्यूजिक टीचर है। आखिर कैसी होगी एक बॉक्सर और म्यूजिक टीचर की लव स्टोरी, चलिए चलिए स्टोरी में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हम मिस्टर लैन वांगजी और विंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। मिस्टर लैन वांगजी को उसके जलने वाले लोग उसके कामयाबी पे जलते देखकर उसे नाजायज बुलाते हैं। रीजन, चाइना के सबसे बड़े कंपनी लैन कंपनी की सीईओ लैन किरिन अपनी पत्नी के होते हुए भी लैनी से रिश्ता रखा, पर वह उसे कभी अपना नहीं पाया। और जैसे ही लैनी ने वांगजी को बर्थ दिया तो लैनी अपने बच्चे को बर्थ देते ही नहीं रही, और लैन किरिन वांगजी को इस तरह नहीं छोड़ सकता था जिसके चलते उसे अपना सरनेम दिया था। पर लैन किरिन की पहली पत्नी लैन शो वांगजी से बहुत नफरत करने लगी क्योंकि लैन सिचन का जगह वांगजी ले रहा था, जो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह उसे नजायज बुलाने लगी कि आए दिन लैन किरिन और लैन शो के बीच बहुत झगड़े होते थे। यह देखकर लैन किरिन के फादर ने लैन वांगजी को लेकर डिसीजन लिया। लैन होम के कलेश को रोकने के लिए वह लैन किरिन को वांगजी को दूर छोड़कर आने के लिए कहा। लैन किरिन वह बेबस था क्योंकि उसे वांगजी और अपने फैमिली में किसी एक को चुना था, इसलिए लैन किरिन ने अपने फैमिली को चुना और वांगजी को अपने से दूर कर दिया। पर वहाँ उसके लालन पालन के लिए पैसा भेजता था। वांगजी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था कि लोग उसे नाजायज करके चिढ़ाने लगे कि एक दिन लिटिल वांगजी को सारे बच्चे नाजायज करके चिढ़ाने लगे। वांगजी ने गुस्से में उन सारे बच्चों को बहुत मारा। तभी वहीं खड़ा बॉक्सिंग कोच की नजर वांगजी पर पड़ा। वह वांगजी को देखा और उसके गुस्से को भाप लिया। वह मुस्कुराकर वांगजी की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? वांगजी वह एक आग भरी आवाज में बोला, मैं सिर्फ वांगजी हूँ, वांगजी। वह कोच मुस्कुराकर बोला, चलो मैं तुम्हारे गुस्से को सही जगह पे लगाऊंगा। इतना कहकर वह बॉक्सर ने वांगजी की ओर हाथ बढ़ाया। वांगजी उस वक्त 5 साल का था और वह उस कोच का हाथ थामकर उस दुनिया में चलाया जहाँ उसे अपने गुस्से का सही ठिकाना मिल चुका था, बॉक्सिंग की दुनिया में। वहीं 11 साल का अल्फा शुयांग 5 साल के ओमेगा विंग का हाथ थामे खड़ा था। हालांकि ये दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं थे, पर दोनों एक दूसरे के भाई की तरह प्यार करते थे। शुयांग का हाथ वेज ने तब थामा था जब शुयांग का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, और जब विंग 5 ईयर का हुआ तो उनके पेरेंट्स नहीं रहे कि शुयांग ने उसे अपने छोटे भाई की तरह केयर किया। और आज शुयांग एक बॉक्सर है, साथ ही विंग वहाँ एक म्यूजिक टीचर है। विंग अपने ब्रदर के लिए हमेशा उसकी चोट लगने पर दवाई बनाता। दोनों अपने लाइफ में बहुत खुश थे। तो डियर्स, ये रहे वांगजी और विंग की बेसिक लाइफ। तो चलिए स्टोरी का स्टार्ट करते हैं, और स्टोरी का स्टार्ट शानदार एक बॉक्सिंग रिंग से होता है जहाँ मैच चल रहा था लैन वांगजी और शुयांग के बीच। फाइटिंग हो रहे थे, ऑडियंस रिंग में चिल्ला रहे थे, वांगजी वांगजी शुयांग शुयांग वांगजी वांगजी शुयांग शुयांग। वही वांगजी एक अजीब गुस्से में दिख रहा था। वहां अनकंट्रोलेबल गुस्से में शुयांग को जोर से पंच कर दिया, जिससे शुयांग मैच रिंग से हवा में उड़ते हुए सीढ़ियों पे जोर से जा टकराया, जिससे उसके हेड पे ब्लड फ्लो होने लग गए और वो वही अनकॉन्शियस हो गया। बॉक्सिंग रिंग में चारों ओर वांगजी का नाम गूंज उठा, वांगजी वांगजी। वांगजी को विनर घोषित किया गया, पर वांगजी इस वक्त बहुत गुस्से में था। वह उस रिंग में अपना पंचिंग बैग निकालकर फेंका और गुस्से से चिल्लाने लगा। वहीं इधर ही शुयांग को उसके टीम के लोग ने उसे हॉस्पिटल ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इतना सुनते ही शुयांग के कोच ने गुस्से से वांगजी के होम आया और उसको कॉलर पकड़कर चिल्लाया, ब्लडी मर्डरर, तुमने शुयांग को मार दिया है। यह सुनते ही वांगजी हैरान था।
तभी उसके गार्ड्स वहां आ गए और सुयांग के कोच को उसे दूर करके वांगजी के होम से बाहर फेंक दिया। वही वांगजी सुयांग की मौत की खबर से वहां ब्रेंच पर बैठ गया और नीचे फ्लोर पर देख रहा था। साथ ही उसके हाथ ब्रेंच पर कस गए। पूरे एक सप्ताह बाद वांगजी वहां मिरर के पास खड़ा था और अपने अक्ष को देख रहा था। मैं लैन वांगजी, मेरी लाइफ में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। उस दिन रिंग में मैंने सुयांग को मार दिया, मैंने एक निर्दोष को मार डाला है, मेरे गुस्से ने किसी की जान ले ली। फ्लैशबैक, वांगजी के अनकंट्रोलेबल गुस्से से पहले सुयांग और वांगजी नॉर्मल फाइट कर रहे थे, पर रिंग के बीच कोई बार बार वांगजी को गुस्सा दिला रहा था, मार दो इस अनाथ कुत्ते को जो बॉक्सिंग के दुनिया में राज करना चाहता है, इसका औकात एक नौकर की भी नहीं है। वो बार बार इतने भद्दे भद्दे वर्ड वांगजी के लिए बोले जा रहा था कि वांगजी उन वर्ड से खुद को नहीं बचा पा रहा था। वो धीरे धीरे गुस्सा हो रहा था और लास्ट में एक ऐसा वर्ड आया, लैन किरिन का नाजायजा औलाद। इस पर वांगजी ने अपना होश खो दिया और सामने खड़ा सुयांग को जोर से पंच करके चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह आवाज वाला पर्सन उस भीड़ में कहीं छिप गया। वांगजी उस भीड़ को देखकर चिल्ला रहा था, अपने सामने आने की चेतावनी दे रहा था, पर इस वक्त उसे सुयांग का होश ही नहीं था। फ्लैशबैक खत्म। वांगजी मिरर पे देखकर यही सब सोचते हुए गिल्टी फील कर रहा था, मैंने सुयांग के साथ जाने अनजाने में बहुत गलत कर दिया। वांगजी ने मिरर में खुद को देखा और गुस्से में वहां मुट्ठी बंद करके अपने अक्ष को मिरर पे पंच किया, जिससे उसके हाथ पे ब्लड आने लगे। तभी वहां वांगजी का कोच आया, वह ये देख कर चिल्लाया, वांगजी क्या तुम पागल हो गए हो? टू मंथ बाद तुम्हारा मैच है जो तुम्हारी लाइफ को एक अलग टर्न देगा, और तुम बैग पैक करके उस सुयांग के फैमिली का हेल्प करने जा रहे हो। वह तुम्हें देखना भी नहीं चाहेंगे, इसलिए अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ये मैच होने के बाद चले जाना वांगजी। अपने कोच के इतना कहते ही वांगजी ने बोला, चिंता मत कीजिए, मैं मैच तक लौट आऊंगा। इतना कहकर वांगजी अपना बैग उठाकर वहां से चला गया। गुस्से से उनमें के रास्ते करीब 4-5 घंटे के थे। 4-5 घंटे के बाद वांगजी वह सुयांग के होम के बाहर खड़ा था, जहाँ उसने गेट पे सुयांग का फोटो दिखाया तो वह गार्ड उसे अंदर ले आया। अंदर आते ही वांगजी की नजर विंग पर पड़े, जो सुयांग के फोटो के सामने रो रहा था। यह देखकर वांगजी ने पूछा, ये? तो उस गार्ड ने बताया, ये सुयांग सर के छोटे भाई है, उनके सिर्फ यही है। पता नहीं सर, वो कौन था हैवान जो इनके हंसते खिलते जिंदगी को अंधेरे में ले आया। वांगजी वह गिल्ट के साथ चुपचाप खड़ा था। तभी गार्ड ने आवाज दी, विंग सर। विंग ने अपने आंसू पोंछ कर पलटा और हाथ जोड़कर बोला, देखिए मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं उधार जल्द चुका दूंगा। विंग की बात सुनकर वांगजी ने पूछा, सुयांग का कितना उधार है? इस पर विंग ने वांगजी को देखकर बोला, आप? वांगजी ने अपने पर्स से पैसा निकालकर विंग को देते हुए बोला, ये रखिए। इस हरकत से विंग अब समझ चुका था कि वह कौन है। वह गुस्से से उन पैसों को वांगजी के फेस पर मारकर बोला, ओ तो वो आप है जिन्होंने मेरे भाई को मार डाला, आपको क्या लगता है इन पैसों से मेरा भाई आ जाएगा? ऐसे बोलते ही विंग के टीयर छलक गए। इस पर वांगजी ने शर्मिंदगी से बोला, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। यह सुनकर विंग ने गुस्से में चिल्लाया, चले जाइए आप यहाँ से और दोबारा अपना फेस कभी मत दिखाइएगा मुझे। इस पर वांगजी चुपचाप वहां से बाहर निकल आया। विंग वहां जोर जोर से रो रहा था। इस वक्त वांगजी वहां विंग के दर्द को सुन पा रहा था। वो बाहर गेट पे आया और ब्रेंच पे वहीं बैठ गया। करीब 1 घंटे के बाद एक ब्लैक कार आकर उस होम के सामने रुका, जिसमें से विंग चा उतरा और गार्ड से पूछा, विंग अंदर है? इस पर गार्ड ने नोट किया तो विंग चा ने स्मर्क करके अंदर की तरफ बढ़ा। यह देखकर वांगजी विंग के घर के पीछे वाले एरिया के विंडो के पास आया, क्योंकि इस वक्त उसे विंग चा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इधर वेंचाओ अंदर विंग के पास आया, जहाँ विंग रो रहा था, जिसे वेंचाओ ने मुस्कुराकर विंग का बांह पकड़कर उसे टच करते हुए उठाने लगा। विंग वह सहमा सा बोला, प्लीज मैं पैसे चुका दूंगा। विंग के इतना कहते ही वेंचाओ ने स्मार्ट करके बोला, हनी तुम चाहो तो ये माफ भी हो सकता है। इस पर विंग पीछे हटा कि वेंचाओ ने चिल्लाया, विंग तुम सुयांग का कर्ज चुकाना आसान समझते हो? तुम सिर्फ एक म्यूजिक टीचर हो, तुम पूरी उम्र भी उतने पैसे का उधार चुका नहीं पाओगे। और सुयांग वो 2-4 बॉक्सिंग से ही उधार चुका सकता था, पर अब वो मर गया है और मैं अपना पैसा वसूल करके ही रहूंगा, तो आज से तुम्हें मेरे क्लब में वर्क करना होगा। इतना कहकर वेन चाओ ने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाल कर वो क्लब का एड्रेस कार्ड विंग के हाथों पे थमा दी।
वैसे भी अगर तुम वर्क नहीं करना चाहते और कर्ज चुकाना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक और रास्ता है। इतना कहते हुए विंचाओ ने विंग के वेस्ट पे टच किया तो विंग उसे दूर हटकर बोला, मैं क्लब में वर्क करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका कर्ज उतार दूंगा। इस पर विंचाओ ने स्माइल करके बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी स्वीटहार्ट। इतना कहकर विंचाओ वहां से बाहर चला गया। इधर वांग जी ये सब देखकर विंचाओ के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, शुयांग का कितना कर्ज है तुम्हारे ऊपर? वांग जी की आवाज से विंचाओ ने वांग जी की ओर देखा और उसके पास आकर बोला, ओ मिस्टर लन वांग जी, तुम हो जिसने बेचारे शुयांग को मारकर ही उसका कर्ज चुकाने आए हो। पर एक मिनट लन वांग जी, ये तुम करना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारा उसके ब्यूटीफुल लिटिल ब्रदर पे दिल आ गया है? विंचाओ की इतना कहते ही वांग जी ने उसे गुस्से में घूरा और पूछा, मैंने पूछा कर्ज कितना है? इस पर विंचाओ ने स्मरण करके बोला, एक शर्त पे, अगर तुम शर्त मानते हो तो मैं वो कर्ज माफ कर दूंगा और साथ ही साथ विंग को भी जाने दूंगा। इस पर वांग जी ने पूछा, क्या शर्त है जल्द बताओ? तो विंचाओ ने स्मरण करके बोला, वांग जी तुम्हें मेरे लिए बॉक्सिंग करना होगा और उन बॉक्सर्स को हराना होगा जो तुमसे फाइट करेंगे। ठीक है, पर सिर्फ 3 मैचेस, वो भी बहुत जल्द। वांग जी के इतना कहते ही विंचाओ ने बोला, लेन वांग जी सर मैं लागू करूंगा, तुम नहीं। 5 मैचेस होंगे और ये सारे मैचेस इसी मंथ में होगा। ठीक है, पर यहाँ कोई प्रैक्टिस प्लेस है? वांग जी ने इतना ही बोला तो विंचाओ ने जवाब दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, मॉर्निंग में तुम्हें वहाँ ले जाया जाएगा। और हाँ, आसपास होटल भी है, तुम्हारे प्रैक्टिस प्लेस से ज्यादा दूर नहीं है। विंचाओ के इतना कहते ही विंचाओ के मैनेजर ने वांग जी को एक कार्ड दिया और वे वहां से चले गए। मॉर्निंग में वांग जी वहाँ प्रैक्टिस प्लेस पे आया और पंचिंग बैग पे पंचेस करने लगा कि एक बॉक्सर वहाँ आकर उस पंचिंग बैग को पकड़ लिया और बोला, ये मेरा है, इस पे सिर्फ मैं रिहर्सल करता हूँ। उसके इतना कहते ही वांग जी वहाँ चुपचाप दूसरे पंच बैग के पास आया तो वही दूसरा बॉक्सर बोल पड़ा, हेलो मिस्टर, ये मेरा है। इस पर अब वांग जी को गुस्सा आ गया, वह अब कुछ नहीं सुनता और उसी पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस करने लगा कि वो बॉक्सर उसे गुस्से में जैसे ही पंच करने को होता है कि वांग जी ने उसका हाथ रोककर झटकते हुए डायल लोक दिया कि वहाँ बहुत सारे बॉक्सर वांग जी पर अटैक करने के लिए दौड़े। यह देखकर वांग जी स्मर्क किया और उन सभी को पंचेस और घुसों के साथ कुछ ही मिनटों में उन्हें फ्लोर पर मार गिराया। सभी दर्द से कराह रहे थे कि वांग जी गुस्से में वहाँ से चला गया। अगली नाइट मैच था, वांग जी वहाँ रिंग में खड़ा था, ऊपर विंचाओ बैठा। यह सब देखकर स्मर्क किया कि उस विंग में वांग जी के प्रतिद्वंदी को लाया गया। विंग भी उसी बॉक्सिंग क्लब में वाइन सभी को सर्व कर रहा था। जैसे उसकी नजर वांग जी पर गया कि उसके कदम रुक गए और मैच स्टार्ट हो गया। इस वक्त वांग जी की नजर भी विंग पर ही था। इसका फायदा उठाते हुए सामने वाले बॉक्सर ने वांग जी के पेट पे जोर से पंच कर दिया जिससे वांग जी विंग खंभे पे टकरा कर जा गिरा। तभी वह विंग को सहमा देखकर उठा और गुस्से से सामने वाले फाइटर को एक ही पंच में मार गिराया। यह देखकर विंग वाइन सर्व करने चला गया। वही ऊपर बैठा विंचाओ ने अपने आदमियों को स्मर्क करके बोला, जाओ विंग को यहाँ लाओ हमारे पास। कुछ देर बाद उसके आदमियों ने विंग को विंचाओ के पास ले आया जहाँ विंचाओ ने एक तीखी मुस्कान के साथ बोला, स्वीट हार्ट अपने ब्रदर के कातिल के पास जाओ, उसे उसके जीत की वाइन दे आओ। विंचाओ के इतना कहते ही विंग वह चुपचाप उस रूम में आया जहाँ वांग जी अपने पेट के चोट देख रहा था। विंग उसकी तरफ वाइन का ग्लास आगे करके बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर वांग जी ने बोला, तुम ये वर्क नहीं करोगे, मैं सुयांग का सारा कर्ज 5 मैचेस से चुका दूंगा, इसलिए कल से तुम यहाँ नहीं आओगे। वांग जी के इतना कहते ही विंग ने बोला, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर विंग ने वाइन टेबल पे रखा और चला गया। उसके जाते ही वांग जी उस वाइन का ग्लास देख रहा था। अगली सुबह वांग जी सुयांग के होम आ पहुंचा। बाहर विंचाओ का गार्ड उसे रोकने की कोशिश किया तो वांग जी ने उसे जोर से पंच करके बोला, तुम्हारे बॉस के काम के चलते ही मैं यहाँ हूँ, इसलिए अगली बार ये बेवकूफी मत करना। इस बार हल्का पंच लगा है, नेक्स्ट टाइम तुम हॉस्पिटल में रहोगे। वह गार्ड उठकर खड़ा हुआ और बोला, सॉरी सर। उसके सॉरी बोलते ही वांग जी अंदर चलाया जहाँ सामने विंग को देखकर पूछा, क्या यहाँ बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए पीसफुल जगह है जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं प्रैक्टिस कर सकूँ? इस पर विंग ने बोला, आपको हमारे लिए यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। विंग के इतना कहते ही वांग जी ने उसे घूरते हुए बोला,
मैंने कुछ पूछा है, तो विंग ने बोला, मेरे पीछे आइए। विंग के इतना कहते ही वांगची उसके पीछे जाने लगा। थोड़ी देर बाद विंग ने उसे शुयांग का प्रैक्टिस एरिया दिखाते हुए बोला, ये छोटा सा है पर शुयांग यही प्रैक्टिस करता था। वो जगह देखकर वांगजी ने बोला, मेरे लिए ये काफी है। वांगजी के इतना कहते ही विंग वहां अंदर चला गया और वांगजी वहीं प्रैक्टिस करने लगा, पर वह अपने पेट में पेन फील कर रहा था, फिर भी लगातार प्रैक्टिस करे जा रहा था, जिसे दूर से विंग यह सब देखकर उसके लिए नेचुरली औषधीय लैब तैयार किया और उसे लेकर वांगजी के पास आया। उस दवाई को उसके तरफ करते हुए बोला, उस पर जोर मत दीजिए। यह सुनकर वांगजी ब्रेंच पे बैठा, तो विंग ने उस लेप को उसे देते हुए बोला, इसे लगा लो, ये इवनिंग तक ठीक हो जाएगा। इस पर वांगजी ने उसे हैरानी से देखते हुए वह लेप पकड़ा, तो विंग ने बोला, ये मेरी ग्रैंड मदर की देन है, उनके पुराने औषधि के तरीके मैंने उन्हीं से बनाना सीखा था और मैं ये सुयंग के लिए भी बनाता था। इस पर वांगजी ने नोट किया और वो लेप अपने पेट पे लगाने की कोशिश की, पर दर्द से वह लगा नहीं पाया, जिसे देख कर विंग ने उस दवाई को पकड़ कर बोला, सीधा बैठिए। इतना कहकर वो उस लेप को वांगजी के पेट पे लगाने लगा। वांगजी विंग को देख रहा था, तुम वहां वर्क क्यों कर रहे हो, वेन जाओ, सही आदमी नहीं है। वांगजी के इतना कहते ही विंग ने दवाई टेबल पर रख दी, मैं यहाँ खुद की सुरक्षा के लिए हूँ, उस क्लब में वर्क करने का डिसीजन मेरा था और मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इतना कहकर विंग वहां से चला गया। सेकेंड मैच को एक सप्ताह बाकी थे। वांगजी वो लगातार बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करने लगा। इसी बीच वो दोपहर को ढेर सारी बच्चों को विंग के होम में देखता है, जो अंदर रूम की तरफ जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वह जैसे ही विंग का सॉन्ग सुना तो उसने अपने प्रैक्टिस स्टॉप किया और अंदर आ पहुंचा, जहां बहुत प्यारा सा म्यूजिक रूम था। सारे बच्चे अपने अपने पियानो प्ले कर रहे थे और विंग स्टेज पे गाना गा रहा था। इस वक्त वांगजी बस विंग को ही देख रहा था, उसके मेलोडी वॉइस में एक पल को शांति फील कर रहा था। सारे बच्चे विंग के पीछे गाना गाते हैं, तो वांगजी वह अपने प्रैक्टिस एरिया में चला आया और विंग के वॉइस को सुनते हुए पुशअप्स करने लगा। थोड़ी देर बाद म्यूजिक स्टॉप हो गए और बच्चे उस ओर दौड़े जहां वांगजी प्रैक्टिस कर रहा था। वांगजी को देखकर वे बच्चे चिल्लाए, हेलो मिस्टर हैंसम। वांगजी वो अपना प्रैक्टिस स्टॉप करके उन्हें देखने लगा। बच्चे स्माइल करते हुए उनसे पूछे, आप कौन हो और हमारे टीचर के यहाँ आप क्या कर रहे हो? तभी वहां विंग आ पहुंचा, बच्चों अंकल को डिस्टर्ब मत करो, चलो यहाँ से। विंग ने इतना ही कहा था कि वांगजी ने बोला, नहीं इन्हें यहीं रहने दो। इस पर विंग ने नोट किया और वहां से चला गया। वो बच्चे वांगजी को भागकर हग कर लिए। सभी वहीं बैठे थे, तो वांगजी ने पूछा, तुम सब अंदर क्या कर रहे थे? तभी लेडी लल्फा सिजुई ने उसकी बातों को काटते हुए बोला, हेलो अंकल, मैं सिजुई हूँ, ये जिंकी, ये युआन, ये चिक्की और ये सु है, और ये है साउची, ये म्या म्या, ये वेंकिंग, ये वेनिंग और ये, अरे रुको। तभी एक लिटिल ओमेगा युआन ने बोला, अरे चुप हो जा सोचुए। हेलो अंकल, मैं युआन हूँ, हम विंग टीचर से रोज यहाँ म्यूजिक सीखने आते हैं, वो हमारे म्यूजिक टीचर है। तभी विंग वहाँ वांगजी के लिए हल्दी वाला दूध लाकर देते हुए बोला, इन्हीं बच्चों के लिए शुयांग ने कर्ज लिया था, ये सभी अनाथ है, हम इन्हें सही लाइफ देना चाहते थे, अगर हम ये नहीं करते तो ये बच्चे अभी तक गलत रास्ते पे होते, हमने इन्हें उन गंदे लोगों से बचाने के लिए इनके लाइफ में खुशियों के लिए रास्ता चुने। जिसे सुयांग ने विंग चाओ के पास गया, क्योंकि उसे अपने बॉक्सिंग पर पूरा यकीन था, वो कुछ मैचेस से विंग चाओ का कर्ज चुका देता, पर मेरा ब्रदर हमारे बीच नहीं है। इतना बोलते ही विंग वहाँ चुप हो गया, तो वांगजी ने अपनी नजरें नीचे करके मिल का खाली ग्लास विंग की तरफ बढ़ाया। विंग उसे लेकर वहां से चला गया। उसी नाइट में वांगजी ने विंग को क्लब ड्रेस में बाहर जाते देखकर बोला, विंग वहां मत जाओ। तभी वहां वेन चाओ का कार आकर रुका, जिसमें विंग बैठकर चला गया। उसके जाते ही वांगजी ने गुस्से में वॉल पे जोर से पंच किया और कुछ आवर्स के बाद वांगजी उस क्लब में जा पहुंचा। वहां विंग को वाइन सर्व करते देखकर उसके ओर बढ़ा कि कुछ अल्फाज ने विंग के बारे में गंदी गंदी कमेंट करने लग गए। अरे देखो देखो, ये शुयांग का लिटिल ब्रदर है ना, लग तो रहा है, हाँ ये विंग है, हाय काफी जवान है यार, ऐसी ओमेगा को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चलो हम इस पे ट्राई करते हैं। इतना कहकर
वो दोनों अल्फा विंग की तरफ बढ़े कि वांग जी ने गुस्से में उन्हें पंच कर दी और गुस्से से उन्हें किक करने लगा। तभी वहाँ विंग चाओ के ढेर सारे गार्ड आ पहुंचे और वांग जी को उन अल्फाओं से अलग करने लगे, उसे पकड़कर खींचने लगे। पर वांग जी वह गुस्से में अब भी उन दोनों अल्फाओं को मारे जा रहा था। यह देखकर विंग घबरा गया। वो गार्ड जैसे तैसे उस क्लब से वांग जी को बाहर निकाले। तभी तिलमिलाते हुए वेन चाओ बाहर उसके पास आकर चिल्लाया, वांग जी तुमने रूल्स तोड़ा है। मैंने कहा था तुम सिर्फ मैचेस के दिन क्लब में दिखोगे, पर तुम विंग के पीछे आए। आइंदा से तुम उसकी परछाई से भी दूर रहोगे, वो सिर्फ मेरा है। इस पर वांग जी ने गुस्से से वेन चाओ को घूरा तो वेन चाओ ने वांग जी पर गन पॉइंट करके अपने गार्ड को ऑर्डर किया, विंग को मेरे रूम में लेके जाओ और हाँ इस वांग जी को सबक सिखाओ ताकि इसे याद रहे कि वेन चाओ का रोज तोड़ने का क्या अंजाम होता है। इतना कहकर वेन चाओ वहां अंदर चला गया और अपने रूम में अंदर आते ही विंग को टेबल पे पुश करके किस करने को हुआ कि विंग उससे पीछे हटने लगा तो वेन चाओ ने गुस्से में विंग को स्लैप करके चिल्लाया, विंग मैंने तुम्हें उस वांग जी से दूर रहने को कहा था, वो तुम्हारे ब्रदर शुयांग को मार डाला है, फिर भी तुम्हें उस पर यकीन है? इस पर विंग ने बोला वो एक एक्सीडेंट था। इतना सुनते ही वेन चाओ ने गुस्से से विंग का गर्दन पकड़ लिया, क्या तुम उसके मर्दानगी पे मर मिटे हो? याद रखो मैं उसे और तुम्हें मार डालूंगा, अगर उसके पास भी गया तो नहीं बख्शूंगा। इतना कहकर वेन चाओ ने विंग को दोबारा से स्लैप कर दिया और उसे वहीं फ्लोर पर पटक कर वहां से चला गया। विंग के टीयर छलक रहे थे। इधर वांग जी सारे गार्ड्स को मारकर फ्लोर पर जख्मी करके गिरा रखा था। थोड़ी देर बाद विंग वहां बाहर आया और जैसे ही उसके सामने एक कार आकर रुका बैठकर चला गया। वांग जी विंग को कार में देखकर बाहर कार के पीछे भागते हुए चिल्लाया, विंग रुको। पर कार नहीं रुका कि वांग जी वही पास के टैक्सी के पास भागा और उसमें बैठकर विंग का पीछा करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वह विंग के होम के बाहर था और टैक्सी का किराया देकर अंदर की ओर दौड़ा जहाँ वो कार विंग को छोड़कर वहां से जा रहा था। वांग जी वहां विंग के पास दौड़ा तो देखा विंग के दोनों चीक्स पे फिंगर के निशान है और इसके माउथ पे ब्लड आया है। यह देखकर वो विंग का रिस्ट पकड़कर उसे अंदर ले आया और ब्लड क्लीन करके उस पर दवाई अप्लाई किया। उसके दोनों चीक्स पे विंग चाओ के फिंगर के निशान काफी लाल दिखाई दे रहे थे, साथ ही उसके गर्दन पे तेज पकड़ थी। यह सब देखकर वांग जी ने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली तो विंग ने बोला, विंग चाओ नहीं चाहता कि आप मेरे वजह से उनके लोगों को हर्ट करें, प्लीज आप मेरे और मेरे लाइफ से दूर रहिए। इतना कहकर विंग अपने रूम में चला गया। अगली सुबह विंग वांग जी का प्रैक्टिस रूम से कोई भी आवाज ना सुना तो किचन में आया जहां वांग जी किचन में फूड बना रहा था। विंग उसे देखकर चेयर पे बैठा तो वांग जी ने विंग की ओर देखकर कहा, डोंट वरी मैं अच्छा फूड बना लेता हूँ। इतना कहकर वो फूड टेबल पे सर्व किया और विंग की तरफ बढ़ाकर बोला, टेस्ट करके बताओ। थोड़ी देर बाद वे दोनों फूड खाने लगे। विंग सॉफ्ट स्माइल किया जिसे देखकर वांग जी अब थोड़ा बेटर फील करने लगा। दोपहर में वांग जी बच्चों के जिद से आज उनके म्यूजिक क्लास में ज्वाइन हो गया और जैसे ही वहां कुछ बजाने लगा उसके साथ ढंग से कुछ भी नहीं बजा तो सारे बच्चे हंसने लगे। यह देखकर विंग उसके पास आकर उसका हैंड पकड़कर गिटार सही से प्ले करने का तरीका बताने लगा। इस बीच दोनों एक दूसरे के इसमें देखने लगे। फिर विंग ने अचानक ही अपनी नजरें चुराकर बोला, बच्चों आप सब रेडी हो? इस पर बच्चे हाँ किए और सभी बच्चे म्यूजिक प्ले करने लगे। पर इस बीच वांग जी का नजर सिर्फ विंग पर था। थोड़ी देर बाद प्ले ओवर होने पे विंग ने सभी के लिए जूस लाया। वांग जी विंग को देखते हुए जूस के बजाय उसके हाथ को पकड़ा कि विंग ने वो जूस का गिलास छोड़ दिया जिससे कि वह जूस वांग जी के ऊपर पूरा गिर गया तो वांग जी ने अपना अपर क्लोथ तुरंत निकाल दिया। इस वक्त वांग जी और विंग की नजरें एक दूसरे को ही देख रहे थे। सारे बच्चे बोले, वाओ आपके एब्स, ये मसल्स, आप तो काफी ताकतवर हैं। सभी बच्चे वांग जी के एब्स और मसल छूने लगे। विंग ने वांग जी का क्लोथ पकड़ कर बोला, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। इस पर वांग जी ने नोट किया तो विंग वहां से चला गया। बच्चे वांग जी के साथ खेल रहे थे, उसके मसल देख देख कर सभी बच्चे अपना अपना मसल दिखा रहे थे, एब्स दिखा रहे थे कि विंग उन सभी को देखकर मुस्कुराने लगा। पूरे एक सप्ताह हो गए और आज वांग जी का सेकेंड मैच था।
वो बॉक्सिंग रिंग में खड़ा विंग को वाइन सर्व करते देख रहा था। वही विंग की नजरें भी पांगजी को देख रहा था। और ऊपर वेंचंग ये सब देखकर अपने गार्ड से बोला, विंग को मेरे पास लाओ। तभी मैच स्टार्ट हो गए, पर वांगजी की नजर अपने विंग पर था, जहाँ वेंचाओ के आदमियों ने विंग को वेंचाओ के पास लाकर धकेल दिया। वहीं वेंचाओ ने विंग का वेस्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिसे देखकर वांगजी ने गुस्से में एक ही बार में सामने वाला फाइटर को रिंग में मार गिराया। यहाँ देखकर विंग मुस्कुराने लगा कि वेंचाओ ने विंग को गुस्से से जोर से पुश करके चिल्लाया, जाओ अपना वर्क करो। विंग वहां उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। वेंचाओ ने अपने आदमियों पर चिल्लाया, मुझे लैन वांगजी से लड़ने के लिए कोई ताकतवर चाहिए, ना कि ऐसे बुजदिल। जाओ और उस खूंखार कातिल बॉक्सर राका को लेके आओ, वो बॉक्सर मुझे चाहिए हर हालत में, ताकि वह वांगजी को मार गिराए। मैं कातिल बॉक्सर को फिफ्थ मैच में चाहता हूँ, वो मुझे मेरे रिंग में चाहिए, उसके लिए मुझे कितना भी पैसा पानी की तरह ही ना बहाना पड़े, पर मुझे इस वांगजी का मौत चाहिए, ताकि विंग को सबक सिखा सकूं, समझे तुम लोग। वेंचाओ के इतना कहते ही उसके आदमियों ने नोट किया और वहां से चले गए। कुछ दिन नाइट में वांगजी विंग का वेट कर रहा था, क्योंकि विंग अब तक क्लब से नहीं आया था। और जैसे ही विंग क्लब से होम पहुंचा तो आज वह बहुत ज्यादा जख्मी था। यह देखकर वांगजी दौड़कर उसके पास आया और उसे अंदर ले आया, उसके चोट पे दवाई अप्लाई किया, टैबलेट दिया और गुस्से में उठ खड़ा हुआ, मैं उस वेंचाओ को मार डालूंगा। इस पर विंग बहुत ज्यादा रोने लगा, वह बहुत घबराया हुआ था कि वांगजी ने उसे हग कर लिया। विंग प्लीज शांत हो जाओ, क्या हुआ था वहाँ, वांगजी ने पूछा तो विंग ने जो क्लब में हुआ था वह रोते हुए बताने लगा। आज वो हमेशा की तरह वाइन सर्व कर रहा था कि एक बॉडी बिल्डर बॉक्सर जैसा दिखने वाला अल्फा विंग के बैक पे मार कर बोला, ब्यूटीफुल ओमेगा, कम फन विद मी। पर विंग उसे इग्नोर करके वहां से हटा और अपना वर्क करने लगा। जैसे ही वर्क टाइम ओवर होने पे वह चेंजिंग रूम में अपने बैग के लिए आया, जहां वही अल्फा उसके पीछे आ पहुंचा और विंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। विंग उसे रोकने की कोशिश की, चिल्लाया कि वो गुंडा विंग को बहुत मारने लगा। तभी वेंचाओ के आदमी वहां आ पहुंचे और वे विंग को उससे बचा करके सुरक्षित विंग के होम में छोड़कर चले गए। वांगजी विंग के ऊपर हुए ज्यादती को सुनकर गुस्से से उसकी मुट्ठी कस गई। उसने बोला, विंग तुम उसे पहचान सकते हो, चलो मेरे साथ। पर यहाँ पे विंग बस रोए ही जा रहा था कि वांगजी ने उसके सिर पर हैंड फेर कर बोला, डोंट क्राई विंग, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह विंग को गोद में उठा लिया और उसके पेट पे लाकर सुलाया। वह पूरी रात विंग के पास रहा। अगली सुबह विंग का नींद खुला तो वह देखता है कि वांगजी चेयर पे बैठे उसके हैंड के पास ही सो रहा है। वो उठ बैठा। सुनिए, विंग की आवाज से वांगजी उठ गया और वो विंग को देखकर पूछा, तुम ठीक हो? इस पर विंग ने नोट किया। कुछ आवर्स के बाद दोनों डाइनिंग टेबल पे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बच्चे भी वहां जल्द आ गए, जिसे देखकर विंग के चेहरे पे मुस्कान आ गई। ओ, मैं तो भूल ही गया था, विंग के बात पे बच्चे चिल्लाने लगे, पिकनिक पिकनिक पिकनिक। इस पर वांगजी ने उन सबको हैरानी से देखा तो विंग ने वांगजी को देखकर बोला, वो हम सभी महीने के हर 15वें दिन में पिकनिक पे जाते थे, मैं मेरा ब्रदर शुयांग बच्चों के पास के वादियों में ही घुमाने ले जाते थे। इस पर वांगजी ने नोट किया तो बच्चे वांगजी का हाथ पकड़कर बोले, अंकल आप भी चलो ना प्लीज, हम आपको हमारे शहर दिखाएंगे, चलो ना अंकल प्लीज। इस पर वांगजी ने विंग को देखकर नोट किया। वांगजी के हाँ करते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, ये अंकल भी हमारे साथ पिकनिक पे जाएंगे, ये। और वे कुछ आवर्स के बाद पिकनिक पे निकल गए। बच्चे हरे भरे वादियों में ढेर सारी बलून लिए भाग रहे थे। विंग वांगजी उन्हें देख रहे थे। विंग मुस्कुराते हुए उन सारे लम्हों को कैप्चर कर रहा था, बच्चों की ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करते जा रहा था। बच्चे आज बहुत ज्यादा हैप्पी थे कि तभी वे बच्चे विंग का हाथ वांगजी के हाथ पे रखकर बोले, रुको आप दोनों ऐसे ही रहो। ऐसे बोलकर वो उनका पिक्चर निकालने लगे। दोनों वांगजी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। इस पर बच्चे चिल्लाए, अरे बाबा कैमरा की तरफ देखना है, एक दूसरे को नहीं। बच्चों के इतना कहते ही वे दोनों उनकी ओर देखने लगे। बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें निकाले, जिन्हें वे विंग और वांगजी को दिखाने लगे। इस बेतहा मौसम बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे। वांगजी उन सभी को हंसते खिलखिलाते देख रहा था। तभी वहां अचानक बारिश शुरू हो गया कि सभी बच्चे बारिश में डांस करने लगे। विंग चिल्लाया, बच्चों चलो नहीं तो बीमार हो जाओगे सारे।
वांग जी वो पेड़ की छाया पर जाकर खड़ा हो गया, पर बच्चे विंग का हाथ पकड़कर बारिश में डांस के लिए जिद कर रहे थे कि विंग उनके जिद के आगे बच्चे के साथ गाना गाते हुए डांस करने लगा। वांग जी एक सॉफ्ट सा बस उन्हें देख रहा था। ये सिजुई उसके पास भाग कर आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए विंग के पास ले आया। वांग जी अब भी खड़ा विंग और बच्चों को देख रहा था। विंग और बच्चे बहुत खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। इस बीच विंग का पैर अचानक स्लिप हुआ, वह वांग जी से टकरा कर गिरने को था कि तभी वांग जी ने उसे पकड़कर संभाला। दोनों की नजरें आपस में जा मिले। विंग बच्चों की ताली बजाने से अपनी नजर नीचे की तो वांग जी ने उसे प्रॉपर खड़े कर दिया। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। विंग के गीले क्लोथ उसके बॉडी से चिपक गया था, उसका अपर बॉडी व्हाइट क्लोथ के चलते क्लियरली शो हो रहे थे कि विंग ने अपना दोनों हैंड से खुद को नर्वसली कवर करने लगा। यह देखकर वांग जी ने अपना जैकेट उतार कर विंग को पहना दिया। मौसम की चमक और बढ़ते बारिश के चलते वे सभी वापस जाने का सोच ही नहीं सकते थे, जिसके चलते सभी पास के लॉज में रुकने का सोचे, जहाँ उन्हें सिर्फ एक ही रूम मिला। वे नाइट में खाना खाने के बाद सोने के लिए जैसे ही जगह देखे, पर वहाँ सिर्फ एक ही बेड था। लॉज में और भी खाली रूम नहीं थे, पर उन्हें मैट, ब्लैंकेट, पिलो प्रोवाइड हो गए। विंग ने सारी चीजें व्यवस्थित करके बोला, बच्चों हम सब आज की रात इस फ्लोर पर सोने वाले हैं। इतना सुनते ही बच्चे अपनी अपनी जगह चुनकर लेट गए और ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया। तभी विंग वांग जी की ओर देखकर बोला, आप बेड पे सो जाइए। इस पर जिंगे ने आवाज दी, विंग टीचर आप यहाँ आइए, देखिए मैंने आपके लिए बहुत सारा जगह रखा है। बच्चे बीच में ढेर सारी जगह छोड़ रखे थे कि विंग वहाँ आकर लेटा। तभी अल्फा सिजुई ने वांग जी से बोला, अंकल आप बेड पे अकेले मत जाइए, आप यहाँ आइए टीचर और मेरे पास, देखो ढेर सारी जगह है। इतना सुनते ही विंग ने बोला, सिजुई उन्हें बेड पे सोने दो। पर सिजुई वहाँ उठ बैठा और बोला, नहीं नहीं हम सब फ्लोर पे हैं और अंकल बेड पे सोएंगे, नहीं ये गलत बात है, अंकल आप चुपचाप से यहाँ आइए। सिजुई की बात सुनकर सभी बच्चे जिद करने लगे, अंकल आप हमारे साथ आइए ना, हमारे साथ सोइए, आप नीचे आइए हमारे साथ सोइए। बच्चों के जी से वांग जी वहीं सिजुई के पास आया और सिजुई की तरफ फेस करके सोया। सभी बच्चे अपना अपना ब्लैंकेट पकड़ रखे थे। विंग वांग जी के पास सिर्फ एक ही ब्लैंकेट रह गया था कि वांग जी ने ब्लैंकेट छोड़कर ऐसे ही सो गया। सभी लोग सो गए थे। जैसे जैसे रात बढ़ता गया कि विंग वहाँ नींद में ठंड से कांपने लगा। वहाँ बारिश में भीगा था जिससे उसकी बॉडी ठंडे पड़ रहे थे। विंग की कपकपाहट से वांग जी का नींद खुल गया। वहाँ विंग को कांपते देख कर ब्लैंकेट से उसे कवर किया। विंग वहाँ नींद में ठंड से वांग जी से जा चिपका। वांग जी विंग का बॉडी इतना ठंड देख कर उसे हग करके ब्लैंकेट के अंदर चला आया और उसके शोल्डर पे रब करके उसे गर्माहट देने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह बच्चे पिल्लो से एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग जैसा खेल रहे थे, जिससे विंग का शोर शराबे से नींद खुल गया तो वह खुद को वांग जी के बाहों में ब्लैंकेट में देख रहा था। वही वांग जी का भी नींद उन शोर शराबों से खुल गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि विंग वह जल्द से वांग जी से अलग हटा और उठकर खड़ा हो गया। बच्चों चलो हमें सवाल लेना है, इतना कहकर वह उन बच्चों के साथ चला गया। वांग जी उन्हें जाते देख रहा था। कुछ आवर्स के बाद वांग जी विंग और बच्चे अपने होम में थे, जहां वे मस्ती कर रहे थे। 20वां दिन वांग जी का थर्ड मैच था, जहां बॉक्सिंग रिंग में एक बॉक्सर उतर आया, जिसे देखकर विंग ने रोते हुए चिल्लाया, सुनिए वो उस दिन यही थे जिन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया। इतना सुनते ही वांग जी का गुस्सा उस बॉक्सर के लिए बढ़ गया। विंग के चिल्लाने से वो बॉक्सर विंग की तरफ देखते हुए उसे अपने दो उंगलियों से फ्लाइंग किस करते हुए बोला, हेलो माय हॉट बेबी, इसे मारकर मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। विंग टेहरी ऐसे वांग जी को देखने लगा। इस वक्त वांग जी का खून खौल रहा था। मैच स्टार्ट हो गया और वह फाइटर वांग जी को मारने लगा। वांग जी बस मार खा रहा था। वो उस दिन को सोच रहा था कि विंग किस तरह रो रहा था, उसके टीयर्स, उसका चोट, उसका रोना, सब कुछ याद कर रहा था। वह सब कुछ सोच सोच कर पागल हो रहा था। इधर वो बॉक्सर वांग जी को मार मार कर हंसते हुए विंग से बोला, बी रेडी बेबी, आज रात मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतना सुनते ही वांग जी ने गुस्से में उस बॉक्सर को उठा करके पटक दिया और उसके फेस पे पंच पे पंच करके चिल्लाने लगा, बास्टर्ड आई किल यू। वांग जी बहुत ज्यादा गुस्से में था, वह उसे मार ही रहा था। उसका हाथ उसे मारने से खून से लथपथ हो गए थे।
यह देखकर कुछ गार्ड्स वांग जी को उससे दूर करने लगे, पर वांग जी गुस्से में से मार रहा था, चिल्ला रहा था और विंग को देखे जा रहा था। उसके टीयर्स से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो उस बॉक्सर को इस वक्त उसे जान से मार देना चाहता था, जिससे उसने उसे उठा करके वापस फ्लोर पर पटक दिया। वह बॉक्सर बेहोश हो चुका था और खून से लथपथ भी। फिर भी वांग जी उसे मारे जा रहा था, चिल्ला रहा था। 10-12 गार्ड ले देके उस बॉक्सर से वांग जी को अलग किए। वांग जी उसे किक करके चिल्लाया, बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी ऊपर बैठा वेन चाओ ने अपने आदमियों से इशारा किया तो वे खून से लथपथ अनकॉन्शियस फाइटर को वहां से ले गए। वांग जी अब भी शांत नहीं हुआ था। वह गुस्से में बॉक्सिंग रिंग के सारे खंभे एक एक पंच करके तोड़ रहा था, चिल्ला रहा था। वी ने यह रूप पहले कभी नहीं देखा था, वह बहुत घबरा गया था। वहीं वांग जी गुस्से में पंचिंग बैग फेंक कर चेंजिंग रूम में चला आया। थोड़ी देर बाद विंग वहां आ पहुंचा। वहां वांग जी को ब्रेंच पे अभी भी गुस्से में बैठा देखा और वह उसके पास जा बैठा। साथ ही वांग जी का हाथ पकड़ के उसके चोट क्लीन करने लगा। इस पर वांग जी ने विंग को देखा, वह उसके बहते आंसू देख रहे थे। विंग भी उसे टियरी आई से देख रहा था। वांग जी की सांसें गुस्से में बहुत तेज था और इस वक्त उसका गुस्सा विंग के आंसू से कम हो रहे थे। उसने विंग के लिप्स पे किस किया कि विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों डीप रफ किस करने लगे, एक दूसरे के टंग के साथ खेलने लगे। वांग जी मानो एक तरह सा अपना वाइल्ड एंगर उस किस के जरिए एक्सप्रेस कर रहा था कि विंग के आंसू छलकने पर भी वह एक गहरी ब्रीथ के साथ अपन अब किस कर रहा था। जब तक शांत नहीं हुआ तब तक विंग को किस किया, फिर वह किस ब्रेक करके विंग के फोरहेड पे अपना फोरहेड रखा। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहे, फिर होम चले आए। मिडनाइट वांग जी विंग के रूम में आया, जहाँ वो उसे सोता देखकर का हैंड पकड़कर बोला, बस टू मैच, फिर तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। भी इतना कहकर वह विंग के हैंड पे किस करके चला गया। 29वां दिन मॉर्निंग में वांग जी ने विंग का हैंड पकड़कर बोला, विंग, एग्रीमेंट का कल लास्ट डे है। वेन चाओ ने एक साथ मेरे टू मैचेस कराने का सोच रखा है, एंड डोंट वरी, कल से वेन चाओ का छाया तुम पे नहीं पड़ेगा। फिर तुम वहाँ से आज़ाद हो जाओगे, फिर तुम्हें उस वेन चाओ के क्लब में वार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विंग कुछ भी नहीं कहा, शांत रहा। 30वां दिन लास्ट मैच क्लब में वेन चाओ स्मार्क करके अनाउंस किया, गाइस 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 गाइस, आप सबको आज डबल धमाका देखने को मिलेगा। आज टू मैचेस होंगे इस क्लब में, तो दिल थाम के बैठिए। अगर इस फर्स्ट मैच में मिस्टर लैन वांग जी जीता तो दूसरा मैच मौत का खेल होगा। वेन चाओ के अनाउंसमेंट से तालियों की गड़गड़ाहट और शोर शराबे की गूंज उस क्लब में गूंज उठा। तो पेस है फर्स्ट राउंड, इतना कहकर वेन चाओ ने चार बॉक्सर की ओर इशारा किया। वह चार बॉक्सर एक साथ उस रिंग में आ गए। यह देखकर विंग घबरा गया। वहीं वांग जी स्मर्क करके बोला, वेन चाओ, अब जाके तूने मेरे लेवल का कुछ चुना है। यह सुनकर वेन चाओ चिल्लाया, आज यही मार डालो इस लैन वांग जी को, बाकी मैं देख लूंगा। इस पर वांग जी ने स्मर्क किया तो वो चारों बॉक्सर वांग जी पे टूट पड़े। विंग वो कंटिन्यू प्रे करते हुए देख रहा था। वांग जी उन चारों से फाइट करने लगा और कुछ ही मिनट बाद वो चारों एक साथ वांग जी पर अटैक करने लगे कि वांग जी के बैक पे थोड़ा चोट आ गया। इस वक्त वांग जी को कराहते देख वेन चाओ ने तीखी मुस्कान दी। वांग जी को दर्द में देख कर विंग घबरा गया, पर वांग जी वापस उठा और उन चारों को कुछ ही मिनटों में फ्लोर पर पटक दिया। वो चारों दर्द से कराह रहे थे और अंततः हार मान गए। उन चारों को गार्ड्स उन्हें वहां से ले गए। तभी वांग जी अपने बैग पे पिन की वजह से उसे पकड़कर दर्द से कराह उठा। यह देखकर विंग रिंग में भाग कर आया और उसके चोट पे चेक करते हुए बोला, आप ठीक है ना? यह देखकर वेन चाओ ने गुस्से में चिल्लाया, विंग को खींचकर मेरे पास लाओ। इतना सुनते ही के गार्ड्स विंग के पास भागे, पर वांग जी विंग को अपने पीछे करके खड़ा हो गया। यह देखकर गार्ड्स डर गए। तभी उस क्लब में जंजीरों में बंधा इस वर्ल्ड का सबसे खूंखार कातिल बॉक्सर राका को लाया गया, जिसने आज तक जितने भी मैचेस लड़े थे उसमें सामने वाला जिंदा नहीं बचा था। वो सबको बड़ी ही बेरहमी से मार डालता था, जिसके चलते उसे जेल में जंजीरों में बांध कर रखा गया था। तभी वेन चाओ ने स्मार्क करके बोला, वांग जी वांग जी वांग जी, कैसा लगा हमारा डबल धमाका? हमने इस खूंखार कातिल को जेल से स्पेशली तुम्हारे लिए ही लाया है। तभी अचानक विंग को उसके गार्ड खींचकर वेन चाओ के पास ले आए।
वांग जी अपने सामने उस खूंखार कातिल बॉक्सर राका को देख रहा था। वह एक जानवर जैसा चिल्ला रहा था। दिखने में बहुत बड़ा था। उसकी हाइट करीबन 7 फुट, हट्टा कट्टा तगड़ा सा, जिसके मसल्स में भारी उभार थे। उसके सामने वांग जी का मसल्स कुछ भी नहीं था। विंग राका को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। उसके टीयर्स छलक रहे थे। वह गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज प्लीज वेन चाओ, ऐसा मत करो। तो वेन चाओ ने विंग का बाह पकड़कर चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हें इससे दूर रहने को कहा था और तुम उसके लिए पागल हो रहे हो। इतना कहकर उसने विंग को जोर से स्लैप किया कि वांग जी ने गुस्से में चिल्लाया, वेन चाओ, तुमने विंग को हाथ लगाया है के लियो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, तुम्हारा हाथ तुम्हारे शरीर से उखाड़ फेंकूंगा। तभी वो खूंखार कातिल फाइटर ने वांग जी को पकड़ा और उठा करके बॉक्सिंग रिंग फ्लोर पर पटक दिया। वांग जी वह अपने बैक पे बहुत ज्यादा पेन से चिल्ला उठा। विंग रोते हुए पुकारा, वांग जी का। पर वह खूंखार कातिल राका वांग जी को बस पटक पटक कर मारे जा रहा था। वांग जी वह जख्मी हो चुका था, वह फ्लोर पर पड़ा विंग को रोते बिलखते देख रहा था। वही वेन चाओ जोर जोर से हंस रहा था और विंग का वेस्ट पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था कि वांग जी जोर से चिल्ला उठा, वेन चाओ, आई किल यू, और हवा में उछलते हुए उस बॉक्सर के सिर पर अपने पैर से उसके नाजुक एयर साइड पे वार किया कि उसको घर राका के एयर और नोज से ब्लड आ गए। राका बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वह चिल्लाते हुए वांग जी की तरफ दौड़ा, यू आर डेड। तभी वांग जी वह झुकते हुए उसके पैर पे अटैक किया कि बॉक्सर ने वांग जी को उठा करके बार बार उसके बैक पे पंच करने लगा, वार करने लगा। वांग जी वह दर्द से चिल्ला रहा था। पूरे बॉक्सिंग क्लब में उसके दर्द की चीखें गूंज उठा। विंग वह कांप उठा था। वांग जी दर्द से चिल्लाते हुए उस रिंग के खंभे पे राका को अपनी पूरी ताकत से ढकेल करके उसे पंचेस करने लगा। ऑडियंस चिल्ला रहे थे, वांग जी, राका, वांग जी। वांग जी वह खुद से लथपथ हो चुका था। वह गुस्से में हांफते हुए बॉक्सिंग रिंग में खड़ा था। वहीं राका भी गुस्से से चिल्ला रहा था और दोनों गुस्से से एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े। वांग जी भागते हुए तीखी मुस्कान के साथ खंभे पे उछल कर राका के गर्दन को मरोड़ कर हवा में वहीं धड़ाम से पटक दिया। राका वहीं धड़ाम करके गिर गया। उसके गर्दन का नस चढ़ गया था जिससे वह उठ भी नहीं पा रहा था। वांग जी गुस्से से उसके पास दौड़ा और जोर से उसके सिर पर किक किया जिससे राका अनकॉन्शियस हो गया। वांग जी ने गुस्से से चिल्लाया, उसकी आवाज पूरे क्लब में गूंज उठा था। उसने गुस्से से वेन चाओ की तरफ ऊपर देखा जहाँ वेन चाओ विंग को जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहा था। विंग रो रहा था, चिल्ला रहा था वांग जी का। यह देखकर वांग जी गुस्से से उसकी तरफ दौड़ा जिससे सारे गार्ड्स वांग जी के सामने खड़े हो गए। यह देखकर वांग जी गुस्से से चिल्लाया कि वे सारे गार्ड डर गए और वे साइड हो गए। वांग जी खून से लथपथ गुस्से में वेन चाओ के पास भागकर उसे पंच पे पंच करने लगा जिससे वेन चाओ जख्मी होकर फ्लोर पर गिर गया। वांग जी मानो कोई जंगली जानवर वह वेन चाओ को मारे जा रहा था। विंग ने रोते हुए उसे पुकारा, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। इस पर वांग जी ने वेन चाओ को खींच किया और गुस्से से चिल्लाया, एग्रीमेंट क्लियर करो। तभी वेन चाओ का मैनेजर भागकर वहां डॉक्यूमेंट लाया जिस पर वेन चाओ के सिग्नेचर थे। अब शुयांग के कर्ज माफ हो चुके थे। वांग जी ने वह पेपर पढ़ा और उसे हाथ में पकड़कर विंग को वहां से ले गया। उनके जाते ही वेन चाओ के गार्ड्स वेन चाओ और बॉक्सर राका को हॉस्पिटल ले गए। इधर वांग जी वो इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि वो बाहर आते ही विंग के बाहों में बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह उसका आँख खुला तो खुद को विंग के बेड पे पाया। उसके बैग पे पट्टी बंधा था। वह बेड से उठने लगा कि विंग उसके पास भाग कर आया और उसके बैग पे पिल्लो रखकर आराम से उसे बिठा कर बोला, अब ठीक है ना। इस पर वांग जी ने नोट किया, विंग ने वांग जी का बहुत केयर किया, उसके नहलाने, क्लोथ पहनाने, उसके खाने, टेबलेट्स और पुरानी विधि से उसका इलाज करके उसके चोट में प्राकृतिक औषधि लगाना जिससे वांग जी ने जल्द ही रिकवर कर लिया। वो रिकवर के बाद अपना बैग रेडी करके विंग के सामने खड़ा था और वह विंग का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोला, विंग मेरे साथ चलो।
अंकजी की यह बातें सुनकर विंग ने उसका हाथ हटाते हुए बोला, नहीं, मैं इन बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकता। इन्हें मेरी जरूरत है। मैं इन्हें अगेन दलदल में नहीं जाने दूंगा। विंग के जवाब से वांगजी ने पीछे हटा और अपना बैग पकड़कर वहां से चला गया। विंग के टीयर्स छलक रहे थे। पूरे 25 दिन बाद विंग और बच्चे इवनिंग में टीवी के सामने बैठे थे, क्योंकि आज वांगजी का मैच था। विंग वांगजी को नमीज से देखने लगा। वांगजी का फेस टीवी पे लाइव दिखा रहा था। सभी बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। ये अंकल वांगजी टीवी पे आ रहे हैं, ये। इधर वांगजी ने माइक पकड़कर बोला, सुनो मेरा वेट करना, मैं जल्द आऊंगा तुम्हारे पास। यह सुनते ही विंग के अब टीयर्स छलक गए और उसके होठों पे मुस्कान आ गए। मैच स्टार्ट हो गया, जिसमें वांगजी विजेता थे। बच्चे खुशी से नाच रहे थे और विंग इमोशनली हैप्पी था। पूरे एक महीने बाद विंग के होम में डोर पे बार बार आज सुबह से बेल बज रहा था, जिससे विंग वहाँ टाइमिंग देखकर चिल्लाया, पता नहीं आज इन बच्चों को इतना तंग क्यों करना है मुझे। इतना कहकर वह अपने दरवाजे पे गया और दरवाजा खोलते हुए चिल्लाने लगा, बच्चों बहुत हुआ, अब तुम लोगों को पनिशमेंट जरूर मिलेगा। दरवाजा खोलते ही विंग ने सामने वांगजी को देखा तो वह चुप हो गया। वांगजी ने एक सॉफ्ट स्माइल के साथ पूछा, कैसे हो तुम? वी इस पर विंग ने इमोशनली सॉफ्ट स्माइल के साथ नोट किया तो वांगजी ने विंग को खींचकर उसके लिप्स पे ब्लॉक किया। दोनों डीप रब और मिस वाले किस करने लगे। विंग के आंख से खुशी के आंसू छलक रहे थे। थोड़ी देर बाद वी अपना किस ब्रेक करके वांगजी ने अपना फोरहेड विंग के फोरहेड पे रखकर बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग। मैंने भी, विंग इतना कहते ही वांगजी ने विंग के लिप्स पे अगेन कैच किया और उसे गोद में उठाकर विंग के बेडरूम में ले आया कि तभी बच्चे वहां चिल्लाते हुए अंदर आ पहुंचे कि विंग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। उन बच्चों को देखकर वांगजी ने पूछा, तुम सब इस वक्त यहाँ? इस सवाल से बच्चे बोले, हाँ हम टीचर के साथ ही रहते हैं, हम उन्हें हर टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। इस पर विंग हंसने लगा तो वांगजी ने बोला, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। इस पर बच्चे वांगजी को हक करके बोले, हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। स्पेशली विंग टीचर ने, वो रो पड़ते थे। यह सुनते ही वांगजी उन बच्चों से हटकर विंग के पास आकर बैठा और विंग की ओर देखकर बोला, बच्चों क्या मैं तुम्हारे टीचर को अपना वाइफ बना लूँ? यह सुनते ही बच्चे खुशी से कूदने लगे, ये विंग टीचर और वांगजी अंकल का मैरिज होगा, ये। इस पर विंग ब्लस करने लगा। कुछ दिन बाद वांगजी ने विंग और बच्चों के लिए बहुत बड़ा मेंशन उन मेंग में ही खरीद लिया, जहां वो उन्हें ले आया। बच्चे बहुत हैप्पी थे, पर विंग उस मेंशन में रहने के लिए मना किया। तो वांगजी ने विंग को बैग से हक करके बोला, विंग मैं बस तुम सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और तुम सब यहाँ सेफ हो। विंग प्लीज मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, प्लीज मैं अब तुम्हारे बगैर अपने आगे की जिंदगी नहीं सोच सकता। मेरे लाइफ में मैंने बहुत कुछ खोया है विंग, अब सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हें नहीं खो सकता। वांगजी के इतना कहते ही विंग ने अपना सिर हाँ में किया तो वांगजी ने मुस्कुराकर विंग के नोज पे किस किया। कुछ दिन बाद वांगजी और विंग का मैरिज हो गया। वे बहुत हैप्पी थे, बच्चे भी बहुत हैप्पी थे। बच्चों को विंग और वांगजी ने अडॉप्ट कर लिया था, बच्चों को उनके पेरेंट्स मिल गए थे। पूरे 5 साल बाद विंग होम में चिल्ला रहा था, वांगजी का अपना प्रैक्टिस बंद कीजिए और अपने उस शैतान को संभालिए। वांगजी और विंग का 3 ईयर लिटिल अल्फा बेबी आयू ने विंग को तंग करके रख दिया था। सारे बच्चे स्कूल गए थे और लिटिल आयू बहुत शैतानी कर रहा था, जिससे विंग तंग गया था। वांगजी वह अपना प्रैक्टिस छोड़कर अपने बच्चे के पास आया, जहां आयू वो भूत बना बैठा था। वह किचन पे अपने नन्हे नन्हे कदमों से पूरा किचन बिखेर रखा था, साथ ही अपने ऊपर पूरा आटा गिरा रखा था, जिसे देखकर वांगजी हंसने लगा कि विंग ने गुस्से से चिल्लाया, हंसना बंद कीजिए और रूम का हाल देखिए, ये इतना सा है और पूरे घर में तूफान ला कर रखा है। वांगजी ने विंग के चीक पर किस किया और आयू को लेकर अपने साथ बात के लिए चला गया। उनके जाने के बाद अरविंद ने किचन से लेके उनका रूम क्लीन करके चला गया। वही विंग अपना सिर पकड़कर बेड पे बैठा था। वांगजी और आयु रेडी थे। विंग को बेड पे परेशान बैठे देखकर दोनों उसके पास बेड पे गए और विंग के चीक्स पर किस किए कि विंग ने मुंह फुला लिया। आयु ने बहुत ही प्यार से बोला, आयु सॉली मम्मा। आयु के इतना कहते ही वांगजी ने बोला, लाओ देखो हमारा आयु सॉरी बोल रहा है,
इस पर वेन चिल्लाने लगा, नहीं ये ऐसा ही करता है, देखना फिर शैतानी करेगा। इस पर आयु ने वांजी को ब्लिंक किया तो वेन गुस्से में चिल्लाया, ये देखा क्या सीखा है इसने, बहुत शैतान हो गया है। तभी वांजी ने अपने सर्विन को आवाज लगाया कि सर्विन वहां आ गया। आयु को गोद में लिया, आयु और वांजी ने हाई फाइव किए तो सर्विन आयु को बाहर घुमाने के लिए ले गया। इस पर वेन चिढ़ते हुए बोला, हाँ हाँ और बिगाड़ो, बाद में देखना अगर वो एक माफिया बन गया ना तो मुझे मत कहना कि मैंने वो और नहीं किया था। विंग के बात पे वांजी ने मुस्कुराकर उसे साइड हर करके बोला, लो तुम गुस्से में बिल्कुल तीखी मिर्ची लगते हो, मन करता है इस तीखी मिर्ची को खा जाओ। वांजी के इतना कहते ही विंग ने उसे गुस्से से घूरा तो वांजी ने मुस्कुरा करके उसे बेड पे पोस्ट किया और उसके ऊपर जाकर उसके लिप्स पे ब्लॉक कर दिया कि विंग उसे मारने लगा। पर वांगजी और भी हॉर्नी हो रहा था। अंततः विंग हार मानकर खुद को वांगजी के हवाले कर दिया। दोनों डीप रोमांटिक हॉट रब किस करने लगे। थोड़ी देर में उस रूम में अब विंग के मोयान सिंफुल वर्ड गूंज रहे थे। दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वांगजी अपनी वाइफ को बेतहाशा प्यार कर रहा था। नाइट में सारे बच्चे आयु के साथ खेल रहे थे। वांगजी और विंग अपने सारे बच्चों को देखकर हैप्पी थे। वांगजी ने विंग को बैग से हग करके बोला, लाओ मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए, हम रूम में चले। इस पर विंग ने वांगजी के हैंड पे मारते हुए चिल्लाया, वांगजी का आप सीधे से रहिए और आयु जब तक 5 ईयर का नहीं होगा हम सेकंड बेबी प्लान नहीं करेंगे, इनफैक्ट हमारे इतने सारे बच्चे हैं और आप अभी एक बेबी चाह रहे हैं। इस पर वांगजी ने बोला, विंग ये सभी हमारे बॉयज बच्चे हैं और मैंने आयु के टाइम भी तुम्हें गर्ल ही कहा था, मुझे इन सभी को प्यारी सी एंजल देना है, इनकी छोटी बहन मेरी प्रिंसेस। वांगजी के इतना कहते ही विंग ने बोला, आप इतने ज्यादा स्वीट मत बनिए, मुझे मनाने का आपके पास हर रास्ता होता है, इन बच्चों के लेडी सिस्टर और आपकी प्रिंसेस आपको 2 साल बाद ही मिलेंगे। इस पर वांगजी ने अपना सिर हाँ में किया, दोनों मुस्कुराने लगे और साथ ही एक प्यारी सी सॉफ्ट वाली डीप किस करने लगे। कुछ दिन बाद वांगजी बॉक्सिंग रिंग में खड़ा था जिसे देखकर विंग ने प्राउडली मुस्कुराया। वही वांगजी ने इस बॉक्सिंग की वजह से अपनी जिंदगी विंग से मिला। विंग ने उसे जिंदगी जीना सिखाया, उसके जिंदगी में अपना पन लाया। वह उन गोसों के अंधेरी वादियों से निकल आया था जहाँ उसकी किसी को जरूरत नहीं थी, पर वह उनमें एक नई जिंदगी बसा चुका था। विंग और उसका पूरा भरा पूरा परिवार, वह विंग और बच्चों को पाकर पूरा हो चुका था। तो क्यूटीज ये थी बॉक्सर वांगजी और विंग की कहानी। होप आप सभी को इनकी छोटी सी लव स्टोरी पसंद आया हो। तो हम ऐसे ही आगे भी स्वीट स्वीट स्टोरीज के साथ मिलते रहेंगे। बरसते आप सब अपना प्यार मेरी इन स्टोरीज पे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब के माध्यम से दिखाते रहिएगा। थैंक यू।